प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो प्रभु पर शरण लेता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सामान्य काल का 20वां रविवार है। धन्य कार्लो अकुटस का किशोर अवस्था में ही 2006 में निधन हो गया। उसका पवित्र यूक्रिस्ट के प्रति गहरी भक्ति थी, जिसे वह अपना स्वर्ग का राजमार्ग समझता था। वह हमेशा दैनिक मिस्सा बलिदान में भाग लिया करता था, पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना में घंटों समय बिताया करता था और यूक्रिस्ट में यीशु की वास्तविक उपस्थिति में दृढ़ता से विश्वास करता था। कार्लो ने अपने कंप्यूटर कौशल का उपयोग करते हुए दुनिया भर के यूक्रिस्तीय चमत्कारों को दस्तावेज करते हुए दूसरों के साथ साझा करने के लिए वेबसाइट बनाया, जिसके द्वारा वह दूसरों को भी यूक्रिस्त पर विश्वास करने और उसकी सराहना करने के लिए मदद कर सके। यूक्रिस्तीय भक्ति से चिन्हित उनका जीवन यूक्रिस्त में ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति में अपने विश्वास को गहरा करने के लिए कई लोगों को प्रेरित करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने आप को जीवन की रोटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वे कहते हैं, जो उन्हें खाता है वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। आज के भजन अनुवाक्य में प्रभु का वचन कहता है कि चक कर देखो कि प्रभु कितना भला है। इस वाक्य का दूसरा भाग हमसे यही कहता है, धन्य है वह जो उसकी शरण लेता है। धन्य कार्लो अकुटस का जीवन और यूक्रिस्त के प्रति उनकी सच्ची भक्ति प्रभु के इस वचन से मेल खाता है। उन्होंने यूक्रिस्त के द्वारा यह अनुभव किया कि प्रभु सचमुच ही कितना भला है। यूक्रिस्त के प्रति उनका गहरा भक्ति यही दर्शाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूक्रिस्त में प्रभु यीशु की उपस्थिति और भलाई का अनुभव किया। धन्य कार्लो का जीवन हमें प्रेरित करता है कि यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु का व्यक्तिगत अनुभव सचमुच ही हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है और दुख और पीड़ा की घड़ी में हमें सांत्वना प्रदान कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो प्रभु पर शरण लेता है। धन्य कार्लो ने हमेशा अपने जीवन में यूक्रिस्त के द्वारा प्रभु पर शरण लिया। इसी आश्रय से उन्हें कृपा और शक्ति मिली। धन्य कार्लो को उनके घातक बीमारी के दौरान भी उन्होंने मसीह की वास्तविक उपस्थिति में अपने विश्वास के कारण आराम और साहस प्राप्त किया। उनका जीवन दर्शाता है कि कैसे यूक्रिस्त की भक्ति एवं श्रद्धा हमारे लिए आशीर्वाद और सांत्वना का स्रोत बन सकता है, खासकर पीड़ा और चुनौती के समय में। आइए आज जब हम पवित्र यूक्रिस्त में भाग ले रहे हैं, हम विशेषकर प्रार्थना करें प्रभु की कृपा के लिए कि हमारी श्रद्धा और भक्ति पवित्र यूक्रिस्त पर दृढ़ बना रहे, ताकि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बनते हुए सुख और दुख में हर पल हर समय प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें और प्रभु में शरण लेते हुए प्रभु की भलाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आमीन।